हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज का ब्लॉग शुरू करते हैं दोस्तों। मैं कर रही हूँ आज का ब्लॉग शुरू 11 बजे। देर होगी थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे कपड़े धुंधे थे। आप अभी आजकल धूप आए ना, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे इनके, कंपनी के बहुत सारे थे। कपड़े अपने धो लिए हैं मैंने, सुखा भी दिए आ रहे। और अभी यहाँ पर मैंने रख दिया है, कावा बन रहा है आज। पालक का कावा बना रखा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। जो कि ये देखो, मिक्सी में पीस के बनाया है, बारीक बारीक, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा हुलिया आप देख सकते हो दोस्तों। मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा पाठ कर लिया है, बट बाल बाल नहीं बनाया अभी। तो मैं तैयार होंगी अभी, मतलब थोड़ा बाल बाल बनाऊंगी, तैयार क्या होना है। बाकी मैं अभी चलती हूँ छत में, मम्मी के सर में मेहंदी लगानी है आज, थोड़ा काली वाली। तो मेहंदी लगाते हैं मम्मी के सर में, और थोड़ा धूप भी सेक लूँगी ना। फिलहाल चलते हैं हम छत में। चलो चलिए दोस्तों, आगे में चलिए दोस्तों। आज का माहौल, मतलब मौसम आप देख रहे हो, धूप आ रही है अच्छी वाली यहाँ से। और ये लल्ली लोगों ने नहा भी लिया। ऐसे में बनाना है। ओ बाबा हाँ। बन रही है? आ रहे दोनों। तो गाइस, धूप लगी है, आप लोग देख रहे हो रोड। बहुत देर टाइम के बाद धूप आ रही है आज। एंड तो आज सासू माँ के सर में लगा रही हूँ मेहंदी काली वाली, आप लोग देख रहे हो जैसे भी। और आज बादल तो नहीं है, बट हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी। कर दूँ? हाँ। मेरे नीचे आने तक ये कापा तो बिल्कुल पक चुका है। ऊपर मेहंदी लगाने गई थी ना, तो मेहंदी लगाने आ गई हूँ। एंड कापा पक चुका है एकदम बढ़िया से, धूप भी बहुत अच्छी आ रही है। और काला का कापा मुझे अच्छा लगता है कर, लेकिन मतलब ये है कि उसमें लहसुन चाहिए, बिना लहसुन के उसका मज़ा नहीं आता ना। ये बन चुका है, ठीक है दोस्तों। अब खाने पे मिलते हैं आप लोगों को। गाइस, मैं आज बनाने वाली हूँ खजूर और आम, आम के जो खैड़ होते हैं ना, उसकी चटनी बनाने वाली हूँ, आमचूर की। ये है खजूर, तो पहले थोड़ा सा ट्राई करेंगे, अच्छा बनेगा फिर और बनाऊंगी। तो इसकी रेसिपी मैं अलग से डालूंगी, तो आप लोग रेसिपी को भी प्लीज़ देख लीजिएगा। तो अभी तो नहीं, पहले ये ब्लॉग आएगा, उसके बाद रेसिपी आएगी, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। दोस्तों, लंच करने का टाइम हो गया है, एंड नीचे ही हूँ कब से, तो ठंडा भी लग रहा है। तो मैंने ये ओढ़ लिया है शॉल, एंड खाना बन चुका है। तो अभी नाश्ता, लंच करते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। ये बना है आज कापा, और यहाँ पे मैंने गाजर और प्याज को काट के सलाद की तरह से बना दिया है। इसमें नींबू और मिर्ची डाल दिए, मतलब नमक डाल दिया, तो बहुत टेस्टी लगता है ऐसे भी खाने में। तो शाम हो चुकी है, और आप देख रहे हो धूप भी चली गई है। एंड देखो कितने सारे पक्षी उड़ रहे हैं आसमान में, वो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो आप सामने देख रहे हो, सब चील कौवे हैं ये। कपड़े वपड़े उठा के अभी हम लोग जाते हैं नीचे और पीते हैं चाय, ठीक है दोस्तों। और मिलती हूँ आप लोगों से नीचे जाके। यहाँ पर अभी लोहरी का सेलिब्रेशन होने वाला है बच्चों के द्वारा, इन्होंने काफी अच्छा सजाया भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं हमारे कॉलोनी के बच्चे, और यहाँ पे थोड़ा सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने, देखो ये सरसों के फूल से इन्होंने वेलकम लिखा हुआ है, और लोहड़ी का सेलिब्रेशन होने वाला है थोड़ी देर में। यहाँ पर देखिए क्या करोगे इसको, अब क्या करोगे, जलाओगे फिर उसके बाद क्या करोगे दीदी, आपको नहीं पता? अच्छा, हैप्पी लोहरी कह दो सबको, हैप्पी लोहरी। मेरे बच्चों की वीडियो बनाई, कह रहे आईडी क्या है, आईडी क्या है। मैंने कहा सही, तो उसी ब्लॉग पे सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे जो हुआ। दोस्तों हैप्पी लोहरी आप सबको भी, मैं कहना भूल गई सुबह से, हैप्पी लोहरी। तो दूध लेके पहुंच गई हूँ मैं घर, अभी सब्जी बनानी है आज, पालक की और खजूर और आमचूर का वो बनाना है, चटनी बनानी है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है, बनाती हूँ। थोड़ा इन सामान को साइड रख देती हूँ, रखना थोड़ा वो थे सूट सिलवाने गई थी ना मैं अभी वहाँ टेलर के पास, वहाँ से आ गई। चलो फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों आम खैड़ की चटनी जो है वो तो मतलब घर में मेरे पापा बहुत बनाते हैं, और उनके हाथ की बहुत फेमस भी है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी। तो वो तो मतलब ऐसे बनाते हैं, भिगा के नहीं बनाते, वो अलग तरीके से बनाते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। लेकिन आज मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने इन आम खैड़ को भिगाया था कल रात, नहीं कल रात के लिए सुबह सुबह भिगाया था थोड़ी देर के लिए।
एंड उसके बाद अब निकाल दिया तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें थोड़ा डाल दी मैंने खजूर, उसमें मैं डाल दूँगी थोड़े से क्या डालूँगी, मिर्ची, यस हरी मिर्ची डालूँगी। एंड उसके बाद इसको पीस लेंगे। उसके बाद तेल में इसको तड़का लगा के फ्राई करना है और उसके बाद ये खाने योग्य हो जाएगी। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, जैसे किशमिश, काजू, बादाम, कुछ भी डाल सकते हो। तो ठीक है, बनाते हैं इसको। लीजिए दोस्तों, तैयार है आम की और खजूर की चटपटी चटनी। ये चटनी बहुत खट्टी मीठी है, तो इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। दोस्तों वो दूध जो निकालते हैं ना, दूध वाली आंटी मतलब जो है, वो आई नहीं है अभी दूध निकालने के लिए। हमने सोचा थोड़ी देर घूम भी लेते हैं, क्योंकि थोड़ा वॉक भी हो जाएगी एंड खाली बैठ के भी क्या करें वहाँ पे, तो थोड़ा हम घूम रहे हैं ऐसी। बाकी जो जो होगा आगे मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों आज हमको कुछ एक नई चीज़ दिखी है, ये देखो पता नहीं क्या है ये, आप लोग कमेंट करके बताना मुझे। और देखो दोस्तों कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। सो गाइस ये देखिए हमारे, मतलब हम दूध लेने आए थे अभी ऐसी, तो मैं थोड़ा आपको बाहर का एरिया दिखाती हूँ। और मैं फ़ोन लाना भी भूल गई दोस्तों, तो ये शिबू की मम्मी का फ़ोन है, उनसे बना रही वीडियो। शाम का टाइम है, आप लोग देख सकते हो, ये है हमारा शिबू, ये देखिए कैसे जा रहा है, और ये इसकी मम्मी। तो अभी हम लोग थोड़ा वॉक भी कर लेंगे और दूध भी ले आएंगे। करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी, ऐसा मेरा आपसे मतलब मैं ये वादा करती हूँ एंड रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि आपका सपोर्ट मिल सके और मेरे भी चैनल मोनेटाइज हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।